राया के रेलवे रोड स्थित प्रेमलता डिग्री कॉलेज में महिला दिवस के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। नारी सशक्तिकरण को लेकर कॉलेज परिसर में महिलाओं और छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राया थाना के SHO डिप्टी SP बने शिव प्रताप सिंह ने अपने विचार रखकर नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। पुरुष प्रधान देश में महिलाएं भी अब पीछे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कस्बा राया के प्रेमलता बालिका महाविद्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पदोन्नत CO शिव प्रताप सिंह ने उपस्थित बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, चाहे सेना का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान है। आज ही निकल के आई है, बहुत सी लड़कियां सुबह से कॉल लेटर वगैरह देखने के लिए कि उनकी फिजिकल की डेट आई है, सुबह से थाने पे आ रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हमारी प्रदेश की नारियां इतना ज़्यादा जागृत हो गई हैं कि सुबह से 8 बजे से पूछने लगी कि साहब हमारा लेटर आया कि नहीं आया, जबकि कोई लड़का पूछने नहीं आया, लेकिन लड़कियों में इतना उत्साह है नौकरी में जाने का, पुलिस में आने का, इससे देख के बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग जब जानते हैं आजकल कि कहाँ आपको कंप्लेंट करनी, क्योंकि सब आप पढ़े लिखे हैं। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो डेली की चीज़ें हैं, और अगर आप लोग उस पर ध्यान दें तो आप बहुत मुश्किलों से या कई समस्याओं से बच सकते हैं। अगर नारी सुरक्षा है, सबको पता है कि 10 क्षेत्र कंप्लेंट कर सकते हैं, 1090 पे हम अपनी महिला हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कर सकते हैं, 112 नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं, तुरंत पुलिस आती है, ये तो सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हाँ, तो बहुत जागरूक है, ऐसी बात नहीं है, बच्चे हमारे, ये बहुत अच्छी बात है। हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क है, वहाँ जाके आप, वहाँ पे महिला इंचार्ज रहती हैं, वहाँ जाके आप उनको अपनी समस्या बता सकते हैं, ना तो आपका नाम डिस्क्लोज होगा, आपकी समस्या महिला ही सुनेगी, उस पर कार्रवाई होगी, उसको पर डे मॉनिटर किया जाता है कि क्या समस्या आई क्या नहीं आई, तो वहाँ भी आप बेहिचक जा सकते हैं, आपको कहीं पर थाने के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, वहाँ अपनी समस्या बना सकते हैं, थाने के अंदर आप आइए। आज उसका भी एक उद्घाटन करने जा रहे हैं, अभी उन्होंने नारी सुरक्षा समिति का भी हमने गठन किया है, आज से ही उसका भी पहली मीटिंग होने जा रही है। इस कस्बे की काफ़ी सम्मानित और कई प्रोफेसर्स भी हैं उसके अंदर, जो उसमें शामिल हो रही है, वो सामाजिक रूप से भी आपकी सुरक्षा के लिए, पुलिस ही हर जगह काम नहीं आती, कुछ जगह समाज के रूप में भी कार्य करना पड़ता है, और सामाजिक समस्याओं का निपटारा समाज से ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो आपकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए वहाँ पे काउंसलिंग करेंगी, आपके परिवार में दिक्कत है या कहीं और बात है तो वो भी समस्याओं को निपटारा करने में मदद करेगी। ये भी एक प्रयास आज से चालू हो रहा है नारी सुरक्षा समिति का।